काबिल सदर एहतराम हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप नाज़रीन को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार है, जुमा मुबारक हो और रमज़ानुल मुबारक का ये रहमतों और बरकत से भरा हुआ ये महीना, और आज जो 20वीं तारीख रमज़ान की है, आज एतकाफ़ की नियत से लोग मस्जिद में भी बैठेंगे जो लोग मुतकीफ़ होना चाहेंगे। बहुत सवाब है, अल्लाह के रसूल ने बारहा इसको किया। और आज लैलतुल क़द्र की भी रात है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और शब क़द्र 5 शब क़द्र है। यानि ये नहीं कि सिर्फ शब 27 या शब 29, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ताक़द्द में इसको तलाश करो, यानि शब 21, शब 23, शब 25, शब 27, शब 29, 5 शब क़द्र है। अब 5 शब क़द्र में अल्लाह की ज़िक्र व इबादत करनी चाहिए बंदे को, और इतकाफ़ भी लोगों को करना चाहिए। ये रमज़ानुल मुबारक का इतकाफ़ जो सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है, मतलब एक भी लोग कर ले मस्जिद में मोहल्ले के या गांव के, तो तमाम गांव के बाशिंदे या मोहल्ले के लोग बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएंगे, वरना सब लोग गुनहगार होंगे। सुन्नत इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने ये इतकाफ़ को भी किया है। इतकाफ़ की 3 किस्में हैं, इतकाफ़ वाजिब भी होता है, इतकाफ़ मुस्तहब भी है। वाजिब अगर से उस इतकाफ़ को कहते हैं कि कोई नज़र माने कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतकाफ़ करूँगा, तो उसके लिए वाजिब है कि वो इतकाफ़ करे, और इतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, रोज़ा रखना पड़ेगा। दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुतकीफ़ जो आज के दिन, आज की तारीख में मुतकीफ़ होंगे मस्जिद में, वो दुनियावी तमाम बातों से परहेज़ करें, अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में लगाएं। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, और इस रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी इबादतें करते हैं बंदे करने वाले, और सदक़ा फ़ितर भी अदा करता है बंदा अल्लाह का। सदका फितर 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या आटा या चावल की कीमत जहाँ जिस रेट का हो, जो जैसा इस्तेमाल करता हो, उसको अदा करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।